आज हम बनाएंगे गोंद के पौष्टिक लाडू। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। बाजरे का आटा 1 कप, 1/4 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप देसी गुड़ जैगरी, एडिबल गम 2 बड़े चम्मच, 1/2 कप देसी घी, पॉपी सीड 1 बड़ा चम्मच जिसको हम खसखस कहते हैं, तिल 1 बड़ा चम्मच, ड्राई कोकोनट 1/2 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में आप आपके चॉइस का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में इलायची। 1 पैन ले लेंगे, इसमें हमें सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले रोस्ट करके लेना है, खसखस और तिल जो है इसको गोल्डन होने तक ड्राई रोस्ट करके ले लेंगे। ऑलमोस्ट रेडी है, इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसमें हमें जो एडिबल गम है, गोंद है, डिंक, उसको फ्राई करके लेना है। चलिए इसे फ्राई कर देते हैं। देख सकते हैं कि कैसे अच्छे से फूलने लगा है जगोम। बार बार चलाते रहना है, जैसे ही पूरी तरह से ये फूल जाए इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी प्रकार से पूरा गोंद जो है इसको हमें फ्राई करके लेना है। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब जो 2 प्रकार के आटा है, बाजरे का आटा, इसे हमें गोल्डन होने तक अच्छे से इस घी में सेक के लेना है। जब तक कि जो घी है वो आटे में से सेपरेट होना जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। जो घी है थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना चालू हो गया है, और 1-5 मिनट रोस्ट करके ले लेंगे। तो घी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। और सेम पैन में अब हम गेहूं का जो आटा है इसे सेक के ले लेंगे। चलिए अब गेहूं का आटा जो है इसको 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से रोस्ट करके ले लेंगे। आटा अच्छे से गोल्डन होने तक
इसे हमें रोज करना है। ये आटा अच्छे से गोल्डन हो चुका है, इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब आटे को हमने निकाल दिया है उसी पैन में। अब हम ड्राई कोकोनट जो है इसे गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। कोकोनट रेडी है। जो कोकोनट है इसे हमें थोड़ा मिक्सी में बारीक करके लेना है पाउडर फॉर्म में। उसी प्रकार से हमें तिल और खसखस उसे भी पाउडर फॉर्म में बारीक करके लेना है। अब कोकोनट और तिल और खसखस अच्छे से बारीक हो चुके हैं। अब जो गोंद हमने फ्राई करके लिया उसे हमें थोड़ा सा बारीक क्रश करके लेना है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी उसे थोड़ा बारीक कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड करके लिया है तो ये पाउडर, गोंद की पाउडर तैयार है। लास्ट में हमें जो नट है, ड्राई फ्रूट है, उसको क्रश करना है। तो पैन लेते हैं, उसमें 1 चम्मच घी डालना है। इसी में हमें, हमने जो गुड़ लिया है उसे थोड़ा सा गरम करके लेना है। तो चलिए ऐड करते हैं गुड़। तो गुड़ जो है उसे थोड़ा सा गरम करके ले लेंगे। अभी सर्दियों के दिनों में इस प्रकार के लाड़ू बहुत ही हेल्दी है। इसमें ये गुड़ एनर्जी सोर्स है। चलिए ये गुड़ जो है मेल्ट, थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें सभी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। कोकोनट, अब ऐड कर देंगे तिल और खसखस की पाउडर जो हमने क्रश करके ली है। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, इसको भी मैंने थोड़ा दरदरा पीस के लिया है। वो एडिबल गम की पाउडर इसमें हम ऐड कर देंगे। जो फ्लेम है इसे बहुत ही धीमी रखना है। हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो गुड़ बहुत ही कड़क हो जाएगा। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्रकार के आटा, जो गेहूं का आटा और बाजरे का आटा, जो हमने अच्छे से घी में रोस्ट करके लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची की पाउडर। इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और लास्ट में डाल देते हैं इलायची की पाउडर। एक साथ सभी चीज़ों को मिलाएंगे। अब ये बिल्कुल भी रेडी है।
अब इसे हम बाजू में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद एक साथ हाथ से मिलाएंगे और बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स करके लिया है और इस प्रकार से लड्डू हमें बनाने हैं। तो ये पौष्टिक लड्डू बन के तैयार है, इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अ न्यू रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।